नमस्ते दोस्त, आज इंशु में कृतिका कटोच कन तुम देखे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। ना हंचो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले बोर्ड दे अधिकार जो खरीदना चाहती भाजपा कने जनता ही धलबल जो हराई सकदी। ना हंचो राहुल गांधी बोले मोदी कने अडानी दे कारण बागवान जो सेब दे नहीं मिली सही दाम 5 जुलाई ते हर महीने हर गरीब परिवार दी महिलाओं दे खाते च उना शुरू हो जाने 8,000 रुपए कंसाले दा मिलना है 1 लाख। मंडी लोकसभा सीट ते कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह बोले कंगना मुंबई जाने अपना काम संभाले कन मैं इत्थे दी जिम्मेदारियां संभाली लंगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसिया तंज, बोले एक तो राहुल नाहन दे मैदान च उतरे, गर्मी बड़ी है कन उदा असर उना पर ओइया था। मंत्री उन्हें टोपी पहनाना लगे कन राहुल गांधी ने मंत्री की तरफ पीट करी थी, लेकिन मंत्री जी भी ऐसे हैं कि उन्हें भी उन्हें जो उल्टी टोपी पहनाई थी, पहली बारी ऐसा दिखने जो मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदर बोले हिमाचल की जनता उन कांग्रेस नेताओं से जानना चाहती जिन्हें विधानसभा चुनाव से आई ने इतनी बड़ी बड़ी गल्लां कीतियां। कने अग्निपीर पर अमित शाह का खरा जवाब, पकड़े गया कांग्रेस का झूठ। बीजेपी एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि कांग्रेस वास्ते दलित आदिवासी पिछड़ा कन महिलाएं केवल वोट बैंक हैं, कांग्रेस एससी एसटी का आरक्षण देना चाहती मुस्लिमों जो। चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने वास्ते जागरूकता के दृष्टिकोण से पैडल फॉर डेमोक्रेसी रैली का शिमला के रिज मैदान से किया शुभारंभ, चुनाव प्रचार वाहन का भी किया शुभारंभ। हिमाचल में HRTC बसा अपनी जिम्मेदारियां संभालने जो तैयार है, निगम की 1,408 बसा कर 5 टैंपो ट्रैवल पोलिंग पार्टियां जो पोलिंग बूथ तक पहुँचाना है, 29 मई जो पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो जाए। हिमाचल च नहीं रुकाई अग लगने की घटनाएं, 69 जगह लगी अग, 609 हेक्टर भूमि पर जंगल राख हुई है, अल्ले तक 870 मामले हुए दर्ज। हिमाचल के 7 जिले में हीट वेव का अलर्ट जारी है, मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से बारिश की संभावना है। पहाड़ी इंदाज 10 बड़ी खबरें दिखने वास्ते तुम दिखते रहे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।